दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं यशस्वी जायसवाल। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं दो नहीं दस में से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक लगाई लंकाई टीम की, उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हाँ, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार लंका का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपना परचम? गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक? छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे, उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे की समाप्ति के बाद आखिरकार ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने लंका की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पहला टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया, जिसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार पाई। इसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक नया इतिहास लिखा जाना था। लंका का घमंड भी आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, लंका के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को वनडे की तरह टेस्ट सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी श्रीलंकाई टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जहां यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली चुनौती में ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, दूसरे टेस्ट के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे चार बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। रोहित से लेकर विराट कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में श्रीलंका तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी केवल मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने कसुन रची था कि बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि लंका की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए कमिंडो मेंडिस की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार दो गेंद पर दो खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोर कर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरी लंकाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर लंका के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान में हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने दुश्मनता चमीरा की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए करुणा रत्न के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोर कर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 32 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से जाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो लंका के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो लंकाई खेमे में शामत ही ला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उनके साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में लंका के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कौन बाजी मार पाएगा? अपनी कीमती
की राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल ने सरफराज खान के साथ मिलकर लंका की गेंदबाजों की उड़ाई थचिया, ठोक दिया अकेले दोहरा शतक और श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे शुभमन गिल के आगे थरथर कांपते नजर आए श्रीलंका, शुभमन गिल ने कैसे तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड, दूसरे दिन का पूरा रोमांच और शुभमन गिल सरफराज का तूफान तो हम आपको जरूर इस हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, विराट कोहली और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत इस समय श्रीलंका दौरे पर है जहां टीम इंडिया ने लंका को T20 सीरीज में 3-0 से हराया, लेकिन वहीं वनडे सीरीज में भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इसके बाद श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं। लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी को ये नहीं पता था कि भारत के सामने टेस्ट में घुटने टेक पाएंगे। एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला टेस्ट मैच में देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम पूरी तरह से पहले दिन ही पस्त हो गई। जी हां, और आर प्रेमदासा के खूबसूरत स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्हें क्या पता था ये फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। आपको बता दें श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किया, लेकिन एक दिन में ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंटर स्क्वाड मुकाबले को खत्म कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 380 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। इस मुकाबले में भारत के सभी गेंदबाजों ने विकेट लिया। अक्षर पटेल से लेकर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह 3-3 विकेट अपने नाम करते हुए नजर आए। वहीं लंका की तरफ से पथुम निशंका ने 110 रनों की लाजवाब पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत काफी अच्छी रही, जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। शुभमन गिल 70 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन 310 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के तीन बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रोहित शर्मा 55 रनों का योगदान दे चुके थे, तो वहीं विराट कोहली ने 90 रनों की लाजवाब पारी खेली। ऋषभ पंत ने भी 70 रन बनाए। शुभमन गिल और सरफराज खान मैदान पर खेल रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए। हर किसी की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। शुभमन गिल इस अंदाज में एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आए। सरफराज खान के साथ मिलकर पहले 50 रनों की साझेदारी बनाई। उसके बाद श्रीलंका के गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार करना शुरू किया और लंका के द्वारा दिए गए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पास पहुंच गया। वहीं शुभमन गिल ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर अपना शतक ठोक दिया। इसके बाद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम अब बढ़त हासिल कर चुकी थी, तेजी से रन बनाए जा रहे थे। वही सरफराज खान भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पाथी राणा से लेकर हसरंगा, यहां तक कि मेंदिस और चरित असलंका को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा, बेरहमी से कुटाई की। देखते ही देखते शुभमन गिल ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। उनकी बल्लेबाजी देखकर सरफराज खान कहां पीछे हटने वाले थे। हसरंगा के ओवर में सरफराज खान ने लगातार 3 चौके जड़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। भारत का स्कोर 450 रनों तक पहुंच गया। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे, ऐसी कोई भी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े। भारतीय खेमा भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर काफी खुश था। हर कोई इन दोनों की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहा था और सरफराज खान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद तो सरफराज का बल्ला T20 के अंदाज में दहाड़ लगाने लगा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे शुभमन गिल अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हर किसी को उनसे दोहरे शतक की काफी उम्मीदें थी। लंबे समय के बाद उनके बल्ले से रन आ रहा था और ठीक हुआ भी वैसा ही। शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर पाथी राणा की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी दोहरा शतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो हर भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर शुभमन गिल के लिए तालियां बजाने लगा। साथ ही साथ सरफराज खान के साथ शुभमन गिल ने 100 रनों की साझेदारी बना ली। अभी भी दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। टीम इंडिया 120 रनों से अधिक की बढ़त बना चुकी थी। दोहरा शतक लगाने के बाद शुभमन गिल ने अपना अंदाज अपना लिया और छक्कों में केवल डील कर रहे थे। वहीं सरफराज खान भी अपना स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे शतक के करीब जा पहुंचे थे। इनका भी बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते सरफराज खान ने भी अपना तूफानी शतक ठोक दिया और ये शतक उनके इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था, जिसको देखकर तो हर कोई खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंका के सामने दूसरे दिन 250 रनों से अधिक की बढ़त हासिल कर ली। जहां शुभमन गिल 220 रन बनाकर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं उनके साथ दे रहे थे सरफराज खान
वो भी 115 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बीच दामपुला क्रिकेट स्टेडियम पर दूसरा टेस्ट मैच आखिरकार शुरू हो चुका है। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में किसे मिला है प्लेइंग 11 में खेलने का मौका, किस खिलाड़ी ने बना दिए हैं कितने रन, क्या चल रहा है अभी भारत का स्कोर, ये सब भी हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।